आज बच्चों मैं आप लोग को एक प्रेरणादायक कहानी सिखाऊंगा, कछुआ और खरगोश। चिंटू हंस रहा था। अरे तुम्हें क्या हो गया चिंटू, तुम हंस क्यों रहे हो? देखो ये स्नेल कितने धीरे धीरे चल रहा है, ये अपने घर तक कैसे पहुंचेगा? लेकिन साइज और स्पीड मैटर नहीं करती, अगर आप में डिटर्मिनेशन है और आप कोशिश किए बिना हार नहीं मानते, लेकिन अगर आपको प्राउड और ओवर कॉन्फिडेंस हो तो आप रेस में हार भी सकते हैं। एक बड़े से जंगल में काफ़ी सारे जानवर रहते थे, छोटे और बड़े। वहाँ एक खरगोश भी था जिसकी सॉफ्ट दांतें और लंबे लंबे कान थे। उसे अपने ऊपर काफ़ी प्राउड था। मैं इतने तेज़ दौड़ सकता हूँ कि कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता। एक दिन उसे एक छोटा सा कछुआ दिखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। खरगोश उस पर हंसा और कहा, देखो तो जरा तुम कितने स्लो और धीरे हो। कछुए ने खरगोश पर ध्यान नहीं दिया और वह चलता रहा। लेकिन खरगोश ने कछुए का फिर से मजाक उड़ाया, कम ऑन मेरे साथ रेस लगाओ या फिर हार मानो। कछुए ने खरगोश से कहा, ठीक है कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, चलो ठीक है करते हैं दोनों लोग कोशिश। तो जल्द ही इन दोनों की रेस की खबर पूरे जंगल में फैल गई और सारे जानवर ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि ये रेस कौन जीतता है। तभी कछुए का दोस्त उससे कहता है, तुम खरगोश से रेस क्यों लगा रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है कि वही जीतेगा। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि यह तुम हार मान लो पहले से ही, क्योंकि तुम्हारी इससे बेइज्जती होगी। लेकिन कछुआ हार मानने को तैयार ही नहीं था। कम से कम मुझे रेस तो करने दो, मैं कोशिश तो करूँ कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मैं हार जाऊँगा। खरगोश बहुत ही ज़्यादा प्राउड और ओवर कॉन्फिडेंस था। खरगोश बोलता है, दिखाओ तुम हमें कितना तेज तुम दौड़ सकते हो। अरे नहीं चल सकते हो। दूसरे जानवरों ने बहुत ही चीयर किया सभी दोनों लोगों को और रेस शुरू हो गई। खरगोश शुरू से ही दौड़ना शुरू किया और वो काफ़ी दूर निकल गया। दौड़ते 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 काफ़ी आगे निकलने लगा। उसे धीरे धीरे कछुआ नज़र भी नहीं आ रहा था और धीरे धीरे वह खरगोश काफ़ी आगे निकल चुका था और उसने देखा कि कछुआ काफ़ी दूर तक नहीं नज़र आ रहा है। तो उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। उसने कहा, इतनी मेहनत क्यों करनी, मैं तो वैसे ही रेस जीत जाऊंगा, एक झपकी मार लेता हूँ। जल्द ही वो गहरी नींद में सो गया। और वहीं दूसरी तरफ कछुए ने हार नहीं मानी थी, वो लगातार धीरे धीरे चलता गया और फिनिशिंग लाइन तक बढ़ते जा रहा था। सारे जानवर फिनिशिंग लाइन पर बैठ के खरगोश का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को विश्वास था कि खरगोश ही रेस जीतेगा। लेकिन वो सब कछुए को देखकर काफ़ी हैरान हो गए। ये सब देखकर कछुए का हौसला और बढ़ने लगा। ऐसे ही बढ़ते रहो, तुम अच्छा कर रहे हो, सभी लोग कछुए को सपोर्ट करने लगे। तभी खरगोश की नींद खुली और खरगोश ने अपने एक दूरबीन से देखा तो कछुआ कहीं नहीं दिखा। तो उसे लगा कि अभी कछुआ काफ़ी पीछे है। जब वो आगे आया तो उसे काफ़ी हैरानी हुई, जब उसने देखा तो कछुआ उससे पहले ही फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर चुका था और वह रेस जीत गया है। ये नहीं हो सकता, खरगोश का घमंड चूर चूर हो गया। सारे जानवरों ने रेस जीतने पर कछुए को बधाई दी और खरगोश ने यह सब देखकर उदास हो गया। फिर कछुए ने खरगोश के पास जाकर कहा, किसी को भी अपनी काबिलियत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए और इस बात को याद रखना, हमेशा हम्बल बने रहना और अपनी कोशिश करने से पहले कभी हार मत मानना। अंत में खरगोश को ये लेसन मिला कि अगर मेहनत की जाए तो धीरे होने पर भी हम लोग रेस को जीत सकते हैं। धीमे होने के बावजूद भी कछुए ने रेस जीत ली, क्योंकि वो धुन का पक्का था और उसने हार नहीं मानी और लगातार चलता रहा। बच्चों ऐसे स्टोरी के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।